here in the morning. थाना कोतवाली क्षेत्र में सितंबर माह में एक महिला की हत्या हुई थी, जो बीएसएफ में कार्यरत कर्मी है, उनकी पत्नी थी। इस घटना का खुलासा स्थानीय पुलिस द्वारा दो अक्टूबर को किया गया था। उस समय दो अभियुक्त इसमें भेजे गए थे, लेकिन इस घटना में पिस्टल भी गया था। उस घर में डीवीआर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसका डीवीआर भी गायब था तथा मृतका के मोबाइल फ़ोन भी गायब थे। मृतका का जो पति था वो निरंतर ये मांग कर रहा था कि मेरी लूटी गई पिस्टल और ये सब प्राप्त होनी चाहिए। पुलिस निरंतर इसमें प्रयासरत थी। कल कोतवाली पुलिस और हमारी जो स्वाट एसओजी की टीम है, इनके द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इसमें जो उनका सहयोगी था मनीष नाम का अपराधी, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशादेही पे आला कत्ल, उसकी निशादेही पे लूटी गई पिस्टल, डीवीआर जो उठा के ले गए थे वो, तथा मृतका के मोबाइल, सभी चीज़ों की बरामदगी की गई है। और इस तरह से इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने में और जो भी लूटी गई संपत्ति थी उसे बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसका कोई आपराधिक इतिहास? इसका आपराधिक इतिहास, इसके जो पूर्व सहयोगी थे उनका आपराधिक इतिहास था। इसका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया, लेकिन ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है, पढ़ा लिखा अपराधी है। तथा इनका उद्देश्य जो मुख्य रूप से सामने आया है, जो पिस्टल थी बीएसएफ में कार्यरत कर्मी की, उसको लूटना, इसके द्वारा बताया गया है।